rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't go. Welcome bhai log, और एक बार फिर से आपका स्वागत है JPS Enterprises के स्टोर में और PC Setup India के YouTube चैनल पर। आज अपना एक अच्छा सा बिल्ट होने जा रहा है जिसके अंदर आप ARGB फैन, GB की SSD, 5600X, 1050 Ti, एकदम बजट बिल्ड है। बजट बिल्ड भी आज के टाइम पे आप जानते हो किस तरीके का हो गया है, 1,00,000 रुपये, और ये कुछ 1,00,000 से ऊपर ही भाग गया है। सब कुछ मैनेज करते 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 MSI की ऑप्टिक्स, मॉनिटर्स, डीप कूल, मैट्रिक्स कैबिनेट, सब चीज़ों को ऐड करते करते ये चीज़ आज जो है बजट अपना जो है 1,20,000 के नियर अबाउट इसका पहुंचेगा। सॉरी तो आपको मैं दिखाता हूं कि क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है जिसके कारण ये बजट पहुँच रहा है। तो फर्स्ट अपने पास जो प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है राइजन 5 5600X, फिफ्थ जनरेशन का ये प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड पर, 3600 से काफ़ी बेटर हो जाता है। इस प्रोसेसर को इसके साथ इस सिस्टम पे हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि FPS बूस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, गेमिंग के लिए स्पेशली यूज़ होने जाएगा। एडिटिंग इसका सेकंड मोड रहेगा, लेकिन मेन जो रहेगा गेम मोड रहेगा। तो ये अपना हो गया प्रोसेसर। इसमें रैम जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 3600 FSB की रैम ही यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये कोर्सर वेंजेंस है, RGB है और 3600 FSB पे है। इसमें 4 रैम स्टिक यूज करने का आगे इनका प्लान है। 2 अभी इन्होंने 8GB की RGB यूज की है और 2 और भविष्य में ये अपना इंक्रीज करेंगे। आप कैबिनेट देख रहे होंगे, डीप कूल की मैट्रिक्स V3 कैबिनेट है। V3 और मैश, इनके 2 वर्जन हम लोग सबसे ज्यादा सेल करते हैं उसमें, और इसमें आपको सबसे ज्यादा कभी कंपेरिजन करते हैं तो आपको दिखता है कि भाई क्यों ये सब चीज चेंज है उसमें और इसमें क्या अंतर है। मैश में जैसे उसका नाम ही मैश है तो फ्रंट पे क्या होता है उसमें जाली आ जाती है, ग्लास नहीं होता। इसमें V3 में ग्लास आ जाता है, 3 फैन मिलते हैं। मैश के अंदर पीछे भी एक फैन मिलता है, V3 में एक फैन पीछे आपको नहीं मिलता है। इस फैन की रिकवरी के लिए हम लोग कूलर मास्टर का हॉलो फैन यूज करने जा रहे हैं जो कि ड्यूअल लेयर पे आपका ARGB है। ये बहुत ही सुंदर फैन होता है, इसकी क्वालिटी अल्टीमेट है। इस सीरीज में अगर इस तरीके का फैन दूसरा देखने जाएंगे तो कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो गाइज इस फैन को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और इस कैबिनेट की ब्यूटी को भी बढ़ाएंगे। अब इसके बाद स्टोरेज की बात आती है कि स्टोरेज में हम क्या यूज करने जा रहे हैं जो इस सिस्टम के लिए काफी होगा। अभी बंदे का अपना बजट जिस तरीके का है तो हार्ड ड्राइव को ऐड करने का कोई भी मूड नहीं है। तब तक Gen 3 की एक SSD यूज की गई है GB की, जिसकी 3500 और 2600 रीड राइट स्पीड है। इसको NVMe है, इसको अपने सिस्टम पे हम लोग इंक्लूड करेंगे और सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ाने का ये काम करेगी। हार्ड ड्राइव कभी भी भविष्य में इंक्रीज की जा सकती है, वो एक अलग पॉइंट होगा। ग्राफिक कार्ड जो अपना यूज होने जा रहा है वो है 1050 Ti। आप देख सकते हो ये 1050 Ti एक मजबूरी है जो इस सिस्टम में ऐड हो रहा है। इनकी तैयारी जनवरी से थी, 1660 सुपर की, 1660 Ti की, और उसके बाद धीमे धीमे बजट जा रहे थे 3060 की तरफ। लेकिन आज बजट ऐसा हो गया कि अब ये 1660 सीरीज तो छोड़ ही दिए, 1050 Ti पे आके रुक गए हैं कि अभी धीमे 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 करके और इसकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ानी है वो भविष्य में निर्धारित करेंगे। अभी 1050 Ti से काम चलने दीजिए भैया, क्योंकि यही इतने इनके बजट को तोड़ने के लिए काफ़ी हो गया है। अब अगर कोई भी पैसा इसमें डालते हैं 1660 सुपर या 1660 Ti में, तो शायद 2022 तक में उतने प्राइस रेंज में 3060 मिल जाए। तो अभी इन्होंने इसके लिए प्रिपरेशन कर ली है कि 1050 Ti से ही काम चलाएंगे, जो कि 4GB 128 बिट का है और 2 फैन के साथ है। MSI का GTX 1050 Ti आप देख सकते हो कि कितना अच्छा ये कार्ड है। इसके साइज को देख के आपको समझ में आ रहा होगा उसी वर्जन है कि कार्ड बड़ा है, तो ये अपने पैसे को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। और सबसे लास्ट में जो अपना मदरबोर्ड,
मदरबोर्ड आप देख रहे हो, टॉमहॉक का हमेशा से एक कंपैरिजन इस तरीके का रहा है कि वीआरएम इसकी सबसे बेस्ट मानी जाती है। V450 सीरीज में इससे अच्छी वीआरएम किसी की नहीं होती थी। उसी विश्वास को लेके लोग आज भी आगे बढ़ रहे हैं। V550 पे वैसे बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन एक बजट पीसी के हिसाब से अगर रेडी किया जाए तो V550 टॉमहॉक फुल साइज का एक तो मदरबोर्ड है। अगर आप इसका बैक साइड में देखते हैं तो आपको दिखेगा 4 RAM स्लॉट यूज किए जा रहे हैं, 2 ग्राफिक कार्ड के स्लॉट्स हैं 16x के, M.2 2 स्लॉट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, आयो शील्ड इनबिल्ट है, फुल साइज का मदरबोर्ड है और आरजीबी ऑप्शंस भी अवेलेबल है। इन सब फीचर्स को मिलाने के बाद अगर 16,000 रुपए की रेंज में कोई बोर्ड कहा जाए जिसके अंदर ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो, तो इसके कंपैरिजन में सिर्फ मुझे लगता है ऑरस सीरीज ही एक आती है जो कि थोड़ी बहुत इसके आगे टिकेगी, और तो कोई भी बोर्ड नहीं टिकता, एएस रॉक में हो या बायोस्टार में हो, बिल्कुल भी नहीं। और एमएसआई के बाद अगर इससे भी बेटर आप जाना चाहते हो तो फिर आसूस की स्टिक सीरीज होती है, टफ सीरीज भी नहीं, लेकिन ये जो सिलेक्शन है ये काफी अच्छा है। और इसको अपने सिस्टम में इंक्लूड करके हम लोग सिस्टम का बिल्ड करते हैं और देखते हैं किस तरीके का सिस्टम बिल्ट होता है। तो गाइस बने रहिएगा, अभी बिल्ट करते हैं, फिर देखते हैं लुक और फीचर्स कैसे आ रहे हैं, और इसका एक बार ट्राई करते हैं बेंचमार्क्स भी लेने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम। Setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now. Cause baby our love is gonna burn down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think देख रहे हैं आप लोग जिस तरीके से अपना ये बिल्ड रेडी हो चुका है। 3 फैन आपको फ्रंट पे आरजीबी वाले दिख ही रहे हैं, 1 फैन और कूलर मास्टर का हालो फैन इसमें डाला गया है। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत क्या रही कि इसमें सब कुछ तो रेडी किया गया है फीचर रिलेटेड। मॉनिटर आप देख ही रहे हो, एमएसआई का ऑप्टिक्स G241 144 1 ms बॉर्डरलेस, सुंदरता आपके सामने ही, कितना अच्छा स्लीक सा बढ़िया सा है। और अपना चैनल भी खुला हुआ है, तो अगर नाम जानने में दिक्कत हो, नहीं पता हो लाइक सब्सक्राइब कहाँ करना है तो यहाँ देख के आप कर सकते हो। तो बस गाइस इसको रेडी हो चुका है, अब कस्टमर को देने का टाइम आ गया है और इस सिस्टम को देख के इसे ओके करते हैं। और SMPS मैं इसमें बताना भूल गया था, अपने पास 750 वाट की SMPS थर्मल टेक की यूज़ की गई है जो कि फुली मॉड्यूलर है, 10 ईयर वारंटी के साथ और गोल्ड सप्लाई पर है। तो गाइस आप इस सिस्टम को पैक करते हैं और कस्टमर को हैंडओवर करते हैं, यहीं पे आज इस काम को करके ख़त्म करते हैं। वीडियो सही लगे, सही के साथ में कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉलिंग नंबर दिया है जिस पे आप क्वेरी डाल सकते हो, उस पे डाल के अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेलकम अगेन PC सेटअप इंडिया। थैंक्स।